हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट में आए हुए कुछ प्रॉब्लम्स का। ये बहुत ही अच्छे बेसिक प्रॉब्लम हैं। इस तरह के प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि NICO होल 4, NICN होल 4, NICL होल 4 और इन दोनों पे है आपका -2 -2 और ये है यहाँ पे 0। इनमें से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली क्या है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें निकिल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसमें क्या होगा। अब हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी है कि दो तरीके होते हैं, एक होता है बैलेंस बांड थ्योरी से और एक होता है ट्रिकी तरीका होता है जो CFT से भी निकल जाता है। वैसे CFT के थियरी में कभी हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं की गई है, बट एज ए ट्रिक उसको यूज करके हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले तो ध्यान देते हैं तीनों कॉम्प्लेक्स पे। तीनों कॉम्प्लेक्स में CO है, CO एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, टोटल 4 CO इसमें है, यानी कि इस निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। यहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। इस केस में CN मोनोडेंटेट है तो निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4 और इस केस में है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 4 है। और इस तरह से हम देखेंगे कि तीनों ही कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब हमको पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं, एक होता है sp3 और दूसरा होता है dsp2। ठीक, sp3 अगर होगा तो शेप होता है टेट्राहेड्रल और DSP2 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में शेप होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सीधा सीधा एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, हम CFT का यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए CFT में हम जानते हैं कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो या दो से अधिक पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो तरह की स्प्लिटिंग पॉसिबल है, एक है आपका टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और दूसरा है आपका स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। तो CF जो भी स्प्लिटिंग होगा तो दो एनर्जी लेवल के बीच एक एनर्जी का गैप आता है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा हमेशा ध्यान रखिएगा कि 5D का ज़्यादा होता है 4D से और 4D का ज़्यादा होता है 3D से। यानी कि किसी एलिमेंट में 5D है तो जब ये डी स्प्लिट करेगा तो यह डी ज़्यादा स्प्लिट कर जाएगा, दोनों के बीच का गैप ज़्यादा आएगा। 3D है तो ये इसमें स्प्लिटिंग कम होती है, तो 5D का ज़्यादा 4D से, 4D का ज़्यादा 3D से। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए 5D और 4D के केस में तो डेल्टा इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। और 3D के केस में कि डेल्टा इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये सिचुएशन आता है पर्टिकुलरली जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। अब चलिए जरा निकालते हैं NICO होल 4, NICO होल 4। ठीक, तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है 0, तो निकिल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D8 4S2 और हम जानते हैं कि आगे 4P 4D ऐसे पड़ा होगा। अब ध्यान रहे कि निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमको पता है या तो sp3 हो सकता है या तो dsp2 हो सकता है। तो या तो sp3 है या तो dsp2 है, दोनों के ही केस में यस का तो पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तभी हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है या तो dsp2, यस दोनों में आएगा। अब हमको ये जानना है कि इस पर्टिकुलर केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि dsp2 है, तो s का तो आना जरूरी है। और बैलेंस बांड थ्योरी हमको ये बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन उसी ऑर्बिटल का हो सकता है जो वैकेंट हो, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4s2 वैकेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को d में ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि ये वैकेंट हो जाए और हमारा हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट कर सके। तो जब दोनों को इसमें ट्रांसफर कर दोगे तो कन्फिग्रेशन 3D10 हो जाएगा, 4S0 और 4P ऐसे हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमको 4 ही ऑर्बिटल चाहिए, तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि एक S और 4P, B के तीनों आ जाएंगे PX PY PZ, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3, यानी कि NICO होल 4 में हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ गया sp3। दूसरा हम देख लेते हैं NICN होल 4,
यहाँ पे है माइनस टू, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये आ जाएगा प्लस टू। प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0, क्योंकि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे प्लस टू के लिए, तो 3d8 4s0, और ये 4p भी वैकेंट ही है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमको ध्यान देना है कि जब भी 3d होगा तो डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, कब, जब हमारा वीक लिगेंड लगा हो, और जब भी 3d होगा 3d के केस में डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी जब स्ट्रांग लिगेंड होगा। स्ट्रांग लिगेंड केस में बोल सकते हैं डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, जबकि 5d और 4d में चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रांग लिगेंड हो हमेशा डेल्टा ओ ज्यादा ही होता है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ठीक, तो ये हमारा केस निकला, जो ये Ni+2 क्या है 3d। अब 3d है और साथ में CN लिगेंड इज स्ट्रांग लिगेंड, इसका मतलब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको स्प्लिट करा दूं, यानी कि जब भी देखो ध्यान से कि जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, यानी कि हम इसको अगर सिंपली ऐसे बनाए डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा जा सकता था नॉर्मल हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी अधिक होने की वजह से, ठीक, यानी कि डेल्टा ओ ज़्यादा हो जाने की वजह से पेयरिंग एनर्जी कम है, और जब पेयरिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें जा करके पेयर हो जाएगा। ठीक, आप बोल सकते हैं कि CN के वजह से इसमें पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी हम देखेंगे कि जो डेल्टा ओ होगा वो कम होगा किससे, पेयरिंग एनर्जी से, कब, जब वीक लिगेंड लगा हो, लेकिन स्ट्रांग लिगेंड लगा डेल्टा ओ बढ़ जाता है पेयरिंग एनर्जी से, यानी पेयरिंग एनर्जी कम होती है डेल्टा ओ से, तो पेयरिंग एनर्जी जब भी कम होगी तो हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गया अंदर की तरफ तो ये वाला वैकेंट हो गया, और अगर एक डी का वैकेंट हो गया तो एक डी एक एस और दो पी आ जाएंगे, यानी कि डी एस पी टू। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए इसमें हो जाएगा डी एस पी टू, पहला हो गया एस पी थ्री, दूसरा हो गया डी एस पी टू। सेम सिचुएशन तीसरे में देख लेते हैं, इसमें है आपका Ni Cl4-2, यहाँ भी ये प्लस टू है, तो इस केस में भी 3d8 ही होगा, और इसमें ये वीक लिगेंड है यानी कि पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुए तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और नहीं करेगा तो इसका मतलब बाहर का एक एस और तीन पी इसमें लाना पड़ेगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा पहले का sp3, दूसरे का dsp2 और तीसरे का sp3, यानी कि हम अगर इसमें ऑप्शन देखें तो पहले का sp3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दूसरे का dsp2, दूसरे का dsp2 यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों तो अपने आप कैंसिल हो गए। तीसरे का sp3 यानी कि तीसरे का sp3 केवल इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट माना जाएगा।